दोस्तों टीवी इंडस्ट्री में सिर्फ जोड़ियां बनती ही नहीं हैं, बल्कि यहां तो कई खूबसूरत जोड़ियों ने अपने नए रिश्तों की शुरुआत भी की है। लेकिन इनके यही प्यार की दास्तान शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं थी और शायद इसीलिए टीवी के कई सितारों की प्रेम कहानियां ना बीच में ही अधूरी रही हैं। और उन्हीं में से एक है खूबसूरत जोड़ी कृतिका सेंगर और गुरमीत चौधरी की। जी हाँ, आज दोनों ही शादीशुदा हो गए हैं, लेकिन जहाँ कृतिका सेंगर ने अभिनेता निकेतन धीर से शादी की है, तो वहीं दूसरी तरफ गुरमीत चौधरी ने एक्ट्रेस देबिना बनर्जी से शादी रचा ली थी। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं ना कि आज अपने अपने पार्टनर्स के साथ खुशहाल जीवन बिता रही ये जोड़ी एक समय पर एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करती थी, पर शायद ना भगवान को कुछ और ही मंजूर था, तभी तो इनका प्यार मुकम्मल ना हो सका। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इस खूबसूरत से जोड़ी की अधूरी प्रेम कहानी से रूबरू करवाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं ना इस अधूरी कहानी के बारे में, तो हमारे साथ बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और साथ ही अपने अपने फेवरेट कलाकार के लिए ना आप हमारी वीडियो को तुरंत लाइक करें। टीवी इंडस्ट्री की इस खूबसूरत जोड़ी की पहली बार मुलाकात पुनर्विवाह सीरियल के सेट पर हुई थी, जहां गुरमीत चौधरी पहले से ही शादीशुदा थे तो कृतिका सेंगर सिंगल थी। और उसी दौरान पुनर्विवाह सीरियल के कास्टिंग डायरेक्टर ने इन्हें अपने शो में कास्ट कर लिया, जहां इन्हें यश और आरती का किरदार निभाना था, जो कि एक पति पत्नी का किरदार था। यूं तो ये दोनों एक दूसरे से काफी अनजान थे और काफी अननोन थे, और गुरमीत चौधरी पहले से ही ठहरे शादीशुदा, इसीलिए वो कृतिका सेंगर से ना ज्यादा बातचीत करते ही नहीं थे। लेकिन जब शो की शूटिंग शुरू हुई तो दोनों ने एक दूसरे से बात करनी स्टार्ट कर दी, और इसी तरह से दोनों की एक दूसरे से जान पहचान बढ़ गई। पहले तो ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बने और आगे चलकर दोनों की ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। जब शो में इन दोनों के बीच कई रोमांटिक सीन्स फिल्माए गए, उन रोमांटिक सीन्स को करने के दौरान ही दोनों के बीच काफी नजदीकियां भी बढ़ गई थी और इन्हें एहसास हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं। फिर गुरमीत चौधरी ने प्यार की शुरुआत की और बता दिया कि वो कृतिका सेंगर से ना कितना ज्यादा प्यार करते हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो शादीशुदा होते हुए ना जाने कैसे उनके प्यार में गिरफ्तार हो गए, पता ही नहीं चला। और कृतिका सेंगर ने भी गुरमीत चौधरी से अपनी फीलिंग्स शेयर की। इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। एक साल तक डेट करने के बाद गुरमीत चौधरी को एहसास हुआ कि वो अपनी पत्नी देबिना बनर्जी के साथ गलत कर रहे हैं। देबिना बनर्जी के माता पिता ने इन पर विश्वास करके देबिना का हाथ गुरमीत के हाथों में दिया था, और कृतिका सेंगर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख कर ये एक पाप कर रही है। उन्होंने तुरंत ही कृतिका को अपने दिल की बात बताई और कृतिका ने भी अपने दिल पर पत्थर रख कर गुरमीत चौधरी को उनकी पत्नी के पास वापस जाने को कह दिया, और साथ ही ये भी कहा कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे से अब मुलाकात नहीं करेंगे और ना ही एक दूसरे से कभी भी कांटेक्ट करेंगे। इस तरह से दोनों की राहें एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गईं, और गुरमीत चौधरी अपनी पत्नी के पास वापस लौट आए। और कुछ सालों बाद ही कृतिका सेंगर की लाइफ में निकेतन धीर आए, जिन्होंने कृतिका को इतना ज्यादा प्यार दिया कि उनके दिल से गुरमीत की सभी यादें मिटा दी गईं, और आखिरकार कृतिका सेंगर ने निकेतन धीर के साथ अपना घर बसा ही लिया। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कृतिका सेंगर और गुरमीत चौधरी ने एक दूसरे से अलग होकर सही किया या फिर गलत? आप हमें अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा, और साथ ही टीवी इंडस्ट्री की कई ऐसी मसालेदार खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।